राज्यपाल जैसे लोग अयोध्या ना आए क्योंकि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के दिन चनपत राय ने किस वजह से दी सलाह जाने। जिस दिन अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन कोई भी मुख्यमंत्री राज्यपाल जैसे प्रोटोकॉल वाले लोग ना आए, ये सलाह ट्रस्ट के सचिव चनपत राय ने दी है। ट्रस्ट के सचिव चनपत राय ने कहा कि मुख्यमंत्री राज्यपाल और देशों के राजदूत जैसे संवैधानिक प्रोटोकॉल वाले लोगों को 22 जनवरी को होने वाले प्रतिष्ठा समारोह के दिन अयोध्या नहीं आना चाहिए ताकि राम मंदिर समारोह में किसी को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। चनपत राय ने कहा, हम 22 जनवरी को उनकी सेवा नहीं कर पाएंगे और मुझे लगता है कि यहाँ का स्थानीय प्रशासन भी उनकी देखभाल नहीं कर पाएगा। सचिव चनपत राय ने कहा, अगले साल प्रतिष्ठा समारोह समाप्त होने के बाद 26 जनवरी से 22 फरवरी तक देश के हर प्रांत में से लोग अयोध्या आएंगे। जिस दिन किसी भी राज्य के लोग आ रहे हों उस दिन उस राज्य के मुख्यमंत्री और अन्य नेताओं को आना चाहिए। उन्होंने कहा, अयोध्या आने वाले लोगों को भोजन और आवास तो मिलेगा लेकिन वह सुविधा होटल जैसा नहीं होगा। श्री राम ने वनवास में कंद मूल वाले फल खाए थे, हमें उनसे बेहतर भोजन देंगे। राय ने कहा कि 5 नवंबर को सभी प्रांतों से विहिप के प्रतिनिधियों को अयोध्या बुलाया गया है। उन्होंने कहा, प्रत्येक प्रतिनिधि को भगवान राम द्वारा पूजित चावल का 5 किलो का पैकेट दिया जाएगा। प्रांत के प्रतिनिधि अपनी आवश्यकता के अनुसार इसे अक्षत मिलाएंगे तथा अपने मंदिर में पूजा कर उसे जिलों के प्रतिनिधियों को देंगे। उन्होंने कहा, पूजा के चावल में रंगों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें हल्दी और देसी घी होगा और इसमें टूटे हुए चावल नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन प्रत्येक राम भक्त को शाम को सरसों का तेल का 5 दीपक जलाना चाहिए। अयोध्या में राम मंदिर के पहले चरण का कार्य दिसंबर के अंत तक पूरा हो जाने का भरोसा जताते हुए मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने हाल में कहा था कि श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा अगले वर्ष 22 जनवरी को होगी और 20 से 24 जनवरी के बीच किसी भी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे जुड़े समारोह में सम्मिलित होंगे। हर तरीके की खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा न्यूजीबर्ड यूट्यूब चैनल और डाउनलोड करें न्यूजीबर्ड ऐप।